वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सत सवेरा, मैं दीहा मोहसिन के साथ और आप हमारे साथ हैं। इसी तरह से जनाब आपको और हमारा साथ जो है वो रहेगा। और फ्राइडे से मंडे से लेकर फ्राइडे तक जनाब आपके लिए हम मॉर्निंग शो करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सैयद तैयब अली शाह साहब मौजूद हैं और मोहम्मद आज़म मलिक साहब मौजूद हैं। पंजाबी के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है और आज हम जिस टोन पर बात करें वो मेरे हाथ में मौजूद है जनाब। आज हम बात कर रहे हैं वाइट टर्कवाइज पे, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। और इस पत्थर की ख़ास बात यह है कि इसकी माइनिंग अब दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती और 1996 से इसकी माइनिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही नफीस पत्थर है। और सबसे अच्छी बात यह कि बड़ा रेयर पत्थर है कि अब इसकी माइनिंग नहीं होती, तो डेफिनेटली यही कुछ पीसेस जो पूरी दुनिया में इसके हैं वही हैं। और वी आर लकी इनफ कि एक स्टोन जो है इस टाइम मेरे पास भी मौजूद है। अच्छा तैयब साहब, इसको किस चीज़ के लिए पहनते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप बता रहे होते हैं कि जी ये स्टोन पहने, वो स्टोन पहने। देखिए, अगर आप इसका केमिकल फार्मूला एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये फिरोज़ा की ही एक किस्म है। अच्छा। तो जो फिरोज़े की एक है, यानी कि उससे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बेसिकली ये फिरोज़े के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता अच्छा। है। लेकिन इसमें यह कि अब अगर मुख्तलिफ स्टोन्स हैं डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उनकी केमिकल फार्मूले की वजह से। अच्छा। ये जो कलर वेरिएशन होती है ये भी केमिकल फार्मूले में किसी चीज़ की ज्यादती या किसी चीज़ की कमी की वजह से उसका कलर चेंज होता है। सही, अब सही। बेसिकली अगर आप देखें तो एक स्टोन आता है जिसे करंडम कहते हैं हम लोग। अच्छा करंडम ही से नीलम बनता है, करंडम ही से रूबी बनता है। यानी कि अच्छा सफ़ायर और याकूत, नीलम और याकूत जो है ये बेसिकली करंडम से ही इनकी फार्मिंग होती है। बेसिक फार्मूला वही है, कलर की जहाँ ज्यादती आती है वहाँ वो ब्लू कलर हो जाता है, जहाँ कलर कम आता है वहाँ पर वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। सही सही जी। इस टाइम आप टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वाइट टर्कवाइज जो है वो मेरे हाथ में मौजूद है। अच्छा, इसमें काफ़ी रूट्स भी नज़र आ रही हैं, हाँ जी, तो रूट्स, ये क्या इसी तरह से होता है? ये प्लेन हाँ भी होता है ये रूट्स, पत्थर? इसी रूट्स होती हैं और ये रूट्स मजीद गहरी होती हैं। जब ये कट पॉलिश हो जाएगा, आप अच्छा इसको कोई बंदा यूज़ करेगा तो ये अच्छा रूट्स गहरी होती जाती हैं। अच्छा रूट्स गहरी हाँ हो जी, जाती और हैं। रूट्स के बारे में ये भी कहते हैं कि जिन जिन स्टोन्स की रूट्स होती हैं वो उनके बारे में ये कि वो पत्थर, यानी कि हमारी उसमें जो एक देसी जबान उसमें कहते हैं जिंदा पत्थर है, वो अच्छा कलर भी अपना चेंज करता है और अच्छा उसकी रूट्स गहरी होना, कम होना, कलर वेरिएशन ये सारा उसमें आता है। अच्छा आप हमें एक दफ़ा आपने ये भी कहा था कि जी इनकी रूट्स काटनी नहीं चाहिए, हाँ काटनी नहीं चाहिए। तो ये अब अभी अगर कट पॉलिश हो रही है तो क्या इसकी रूट्स इसकी जो कटेंगी नहीं? बेस बनती है ना, अगर आप इसको काटेंगे दरमियान से हाँ तो ये इसकी नीचे पूरी रूट्स होती हैं। उन अच्छा रूट्स को अगर आप काट देंगे तो फिर इसकी जो कलर चेंज होने का या चमक का या जो भी इसमें एक फैक्टर पाया जाता है वो ख़त्म हो जाएगा अच्छा और वो फिर नहीं रहेगा। मीन्स कि आपका ये जिस में है डल हो जाता है समटाइम। फिरोज़ा सही आपने सुना होगा कि फिरोज़ा बहुत ज़्यादा लोगों का डल, जैसे कहते हैं ड्राई हो गया है। अच्छा इस जैसे कि पत्थर की जो है वो मर जाता है अगर हाँ इसी रूट्स बिल्कुल, आप इसी तरह ख़त्म कर बिल्कुल दें। आप इसी तरह कह सकते सही। हैं। अच्छा हमारे साथ आज़म साहब भी मौजूद हैं। अच्छा आज़म साहब, अभी जिसने से मैंने अपने मौजू बताया था कि जी पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम जो है वो अपनी ज़ुबानों में देना चाहिए, स्पेशली अगर हम कौमी ज़ुबान की बात करें तो उर्दू में देना चाहिए, आपकी इसके बारे में क्या राय है? जब इसमें तो पूरी दुनिया में एक ये सेंसेस है और लोग ये समझते हैं कि जो मादरी ज़ुबानें हैं वो बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए बहुत अहम है। सही अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फोर है, उसका गोल फोर, उसमें भी इसी में फोकस किया गया है कि लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बच्चों को सही उनकी अपनी मादरी ज़ुबान इसलिए ज़रूरी है। जिस तरह मैंने ये पढ़ा कि कोई भी बच्चा 4 साल की उम्र में, एक एवरेज बच्चा 4 से 6 हज़ार अल्फाज सीख चुका होता है जो उसकी माँ बोली के होते हैं। अच्छा तो वो मदर लैंग्वेज के वो अल्फाज जो हैं, जब वो स्कूल जाता है तो उसे लगता है कि ये ज़खीरा ज़ाया हो गया है। और उसके अलावा जब उसे कोई ज़ुबान पढ़ाई जाती है तो उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। सही तो भी पाकिस्तान शायद दुनिया में जो 135 वो ममालिक हैं जिनमें स्कूल कम जाने वाले लोगों की, बच्चों की बहुत ज़्यादा शर है, सही तो उसमें नाइजीरिया के बाद 134वें नंबर पर है। सही कि अभी भी हमारे यहाँ 55 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो स्कूलों से बाहर है। सही और उसकी एक वजह यही है कि जो वो सीखते हैं घरों से या अपनी मुआशरे से वो स्कूल का हिस्सा नहीं बन पाता। और जब बच्चा माँ बोली से उसकी वोकेबलरी डेवलप हो रही होती है तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है सीखने का चीज़ों के बारे में। अच्छा लेकिन जो ही वो स्कूल जाता है और उसे किसी और ज़बान में पढ़ाने की कोशिश की जाती है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। अच्छा माहिर नफ्सियात जो है उनका भी ये कहना है कि बच्चा जो है हम सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पे जुल्म क्या करते हैं कि हम उनको 3 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं कि जी, अक्सर माएँ भी कहती हैं कि तंग करता है, अच्छा स्कूल में जाना शुरू हो जाए, जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दे। और सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि 6 साल तक बच्चा सिर्फ देख के जो है वो सीखता है।
तो छः साल तक बच्चे के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 ईयर्स में तो इतने इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते कि वो कोई चीज़ पिक कर लें या वो स्कूल से कुछ हासिल कर लें, लर्न कर लें. वो माँ की गोद से, माँ की गोद की गरमाइश से बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस हासिल करता है, बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है. ये जो अब हमारा एक नया एक ट्रेंड आ चुका हुआ है जिसमें स्कूल्स डेफिनेटली ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इनको बड़ी यंग एज में जो है छोटे बच्चे आ रहे होते हैं, एक बिजनेस बन चुका हुआ है ये. इसमें आप क्या गाइड करेंगे किस तरह से पेरेंट्स को कि वो एटलीस्ट अगर 6 साल तक नहीं इंतज़ार कर सकते तो 5 साल तक तो अपने बच्चों को अपने पास रखें और ख़ुद से तरबियत दें. जिसमें ये एजेंडा तो उन अदारों का है जो कारोबार चलाना चाहते हैं और कायल करते हैं. सही. तो कुछ पेरेंट्स भी जो वर्किंग कपल्स हैं या काम करने वाले लोग हैं वो भी समझते हैं कि बच्चा एंगेज हो जाएगा. सही. लेकिन उन्हें नहीं पता कि बच्चा वो है वो बजाय कुछ सीखने के वो डैमेज हो रहा है. सही. कि आपने जल्दी से उसको डाल दिया और जिस तरह के आप केयर कर सकते थे वहाँ उस तरह नहीं हो सकती. सही. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको एक खास एज तक इंतजार करना चाहिए. सही. क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा फारग घर बैठा है जबकि वो सीख रहा होता है. हाँ. वो तो उसका मुशाहिदा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और हाँ. वो चीजें सीख रहा होता है, वो नेचुरल ऐसे सीखना चाहिए. और इतने छोटे से बच्चे को अगर आप अपने घर से दूर कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि कल को वो बच्चा आप लोगों को इसके साथ भी उसकी खास एफिलिएशन नहीं रहेगी. जब तक एक बच्चा 5 से 6 साल माँ के पास रहता है, घर में रहता है, तो डेफिनेटली उसकी एफिलिएशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है. रादर के 3 साल की एज में आप बच्चे को बाहर भेज रहे हैं. और अक्सर बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं होती, बहुत छोटी सी एज में बस माएँ कहती हैं कि नहीं नहीं ये जाए अच्छा पढ़े. और जिस तरह से आपने कहा कि जी वर्किंग लेडीज़ हैं तो कहती हमने भी नौकरी पर जाना होता है, तो ये यानी हम कहीं ना कहीं बहुत ज़ाती कर रहे हैं अपनी नई नस्ल के साथ. जी हम देखा देखी में कर रहे हैं ना. जब हम सोचते हैं ना इस तरह में मीडिया और बाकी इस तरह की चीज़ें एक सैलाब है इन्फॉर्मेशन का ना, उसमें सच हमें ढूंढना चाहिए ना, उसका एनालिसिस करना चाहिए. सही, सही. हमें जो कुछ कुछ बताता है उसमें से हम देखें कि इसमें सच है क्या और हमने किस तरफ जाना है. सही. तो तभी हम बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके. इस तरह हमने माँ बोली भी अपनी पंजाबी जुबान हम घर में बोले तो लगता है कि ये बदतमीज है. हालांकि कतन इस तरह की बात नहीं, ये एक साजिश है. और हमें चाहिए कि हम अपनी जुबानों में बात करें, उनको जिदा रखें, उनमें जो मैसेज है उसको परवान चढ़ाएं. सही ताकि बात एक अच्छी नस्ल और जो आपको जितनी जुबानें आती हैं आपके लिए बड़ा फायदेमंद होती हैं. कल को आपकी सीवी में भी जब ये चीज़ें लगती हैं ना कि अच्छा आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं तो अगले आपको कंसिडर कर रहे होते हैं. तईब साहब आप ये कहेंगे इसके बारे में जो ये 3 साल की एज में कहा जाता है कि बस इसको स्कूल में दाखिला करवाओ. देखिए हम लोग जब छोटे थे तो मेरे ख्याल में 6-7 साल का बच्चा जो है स्कूल जाता था. सही बात है. और मेरे ख्याल में उस वक्त के बच्चे जो थे उनके लिए यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं होती थी मींस के घर में अगर, लेकिन बच्चे सीखते थे. सीख के मैंने उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ा था कि बाहर कोई मुल्क है वहाँ पर बच्चा 8-9 साल तक उसकी तरबियत की जाती है घर में. अच्छा. तरबियत बेसिक जो तरबियत है वो करने के बाद उसको फिर स्कूल में डाला जाता है. अच्छा. हमारी तरफ जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं. ट्रेंड ऐसा है अब 3 साल का बच्चा है वो पहले उसको 1 तक पहुंचते हुए 3 से 4 साल लगते सही हैं. सही बात है. हाँ. पहले नर्सरी जूनियर है, पहले प्ले ग्रुप होता है, फिर नर्सरी जूनियर, नर्सरी सीनियर, प्रेप 1, प्रेप 2, वो प्रेप वगैरह ये यानी करके तो वो बच्चा जो है उसके लिए काफ़ी और वहाँ उसको वो बेसिकली वो तरबियत ही देते हैं अगर आप देखें. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो घर की तरबियत है उसमें माँ की या बाप की तरफ से उसमें बहुत फ़र्क है एक स्कूल की तरफ से, क्योंकि स्कूल वाले तो पैसा ले रहे होते हैं. जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं आप इनकी देख लें, इनकी यानी कि जो है फीसिस हैं काफ़ी हैवी हैं और वो आप लोगों को बस वो बता देंगे हाथ किस तरह धोने हैं बच्चे को, ये वो सारी चीज़ें. ये तो मेरे ख्याल में खुद हमें एक माँ जो दर्द से हाँ, एक बच्चे को तरबियत देती है या एक बाप की जो कोशिश होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बराबर कोई भी नहीं पहुंच सकता. सही बात है. जो आपके यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हाँ. मुझे याद है हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सीखा. कई ऐसी चीजें थी जो और हम इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लकी रहे कि नाना दादा दादी नानी सबको हमने देखा और काफी यानी कि हमारे हम बड़े बड़े थे तो तब उनकी डेथ हुई. तो उस वजह से एक बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है कि आपके साथ जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके आपके घर में बरकत होती है और तो फिर आपको वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि उनका तजर्बा होता है, नचोड़ होता है उनकी पूरी लाइफ का जो वो आपको बताते हैं. आप कितनी किताबें पढ़ लें आपको वो चीज़ नहीं समझ आएगी जो वो आपको एक जुमले में बता. सही बात है. अच्छा आज़म साहब, जिस तरह से हमने अपनी लैंग्वेजेस को जहाँ छोड़ दिया जुबानों को बोलना और हमने कहा कि नहीं घर में नहीं बोलना, हमारे बच्चे उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलें, इंग्लिश पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, इसी तरह से जिस तरह से तैयब साहब ने कहा कि हमारा फैमिली सिस्टम भी टूट चुका है, अब हमें सेपरेट रहना ज़्यादा अच्छा लगता है. अब हमें लगता है कि हमारे बच्चों की सिर्फ यू नो हम हो, हमारे बच्चे हों,
बच्चों को हम स्कूल में दाखिला दिलवा दें, हम ज़्यादा अच्छी तरबियत कर सकते हैं, रादर की जो है उनके दादी या दादा जो है वो हमारे साथ रहें। और इसको समटाइम्स हम बोझ समझते हैं बुज़ुर्गों को अपने घर में रखना, जबकि ये कहा जाता है कि बुज़ुर्गों से घर में बरकत होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारा तो ये विरसा है जी, हम समझते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके हमें अफादियत का भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों के वालदैन साथ रहते हैं उन्हें बाहर घर से बाहर किसी काम से जाने में मुश्किल नहीं होती, सही बात, पता है पीछे पेरेंट्स मौजूद हैं, और यकीन उनकी बरकत है, रहनुमाई है, और बच्चे उनसे सीखते भी हैं। और मैं सुनूँ बच्चे लोगों के साथ उन्हें गुजारा करना भी आता है इससे, सही, अगर वो अपनी फूफियों के साथ, खालाओं के साथ, दादी दादा के साथ मिल रहे हैं तो उन्हें सोसाइटी में लोगों से मिलने का वो एक तरीका भी आता है साथ साथ, कि हमने किस रिश्ते को किस तरह निभाना है। सही सही, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमारे पास है। सही, तो हमें चाहिए कि इसमें लोगों को इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि उनको इनकी अफादियत का पता चले, और जो अकेले रहे हैं उन्हें पता है उनकी मिजरीज क्या है। सही, बिल्कुल आपने सही बात फरमाई कि हमें ये जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसकी जहाँ पे लोग इसकी बहुत नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं कि जी इसमें ये बात गलत है, वो बात गलत है, इसकी सबसे अच्छी बात यह कि कोई मुश्किल आए आपको बिल्कुल ये फील नहीं होता कि आप अकेले हैं, आपको पता होता है कि आपकी बैक पे 4-5 लोग खड़े हुए हैं और आपको इस मुश्किल से निकाल देंगे। और अगर हम देखें तो महीने का गुजारा बड़ा अच्छा होता है अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, आपको बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं और आप बहुत सारी जो सहूलतें हैं उससे फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। एक और अहम बात कि स्टोरी टेलिंग जो है ना हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक रवायत है, हाँ, और दुनिया भर ये मानती है कि कहानी से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो ये जुड़ी हमारे नानी और दादियों के साथ है कि ये कल्चर है कि हम उन्हें अखलाकियात सिखाते हैं, हाँ, और वो कहानियां पूरी जिंदगी हमारी शख्सियत का हिस्सा रहती है। सही बात है, बड़ी आपने और मैंने जो सुनी अभी तक हमारे दिनों का हिस्सा है। शहजादी की कहानी सुनाई है, जब शहजादी किस तरह से लोगों की मदद करती है, वो कहीं ना कहीं आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपके अंदर इखलाकियात जो है वो डाल रहे होते हैं, और वो वाकई जैसे आपने कहा कि वो स्टोरीज आपको सारी जिंदगी जो है वो याद रहती हैं। आज हम सब अपने कलाम में से कुछ मैं चाहूँगी कि आप हमें और सुनाएं। जी जरूर, इससे पहले मैं एक बात इससे जुड़ी हुई कि मैं समझता हूँ जो बुजुर्गों की कहानी है, हाँ, उसमें मैंने सवाल किया अपने एक दफ़ा वालदा से कि जो हर कहानी में मुश्किलात होती हैं कि शहजादे को सात समंदर पार ही जाना पड़ता है तब वो शहजादे तक पहुँचते हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी के लिए तैयार करना होता है कि कोई भी कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। सही सही, कितने खूबसूरत उसमें मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। तो मैं एक गज़ल और आपको पेश करता हूँ जी, कि नेरे विच रोशनाई कोल, नेरे विच रोशनाई कोल, पो फुटे कुछ मुँह बोल, लोकां वांगू जीना छड़ के हयाती दे बंद बूहे खोल, ते इब्राहिम ते बन नहीं सकदा बुझी अग ना बह के फोल, ते जिब तो वखरा जुस्सा रख के अमलां दी तकड़ी विच तोल, ते कम कोई चंगा कर जा आजम एवें ना जेंद अपनी रोल। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा आजम साहब, आपने कहा कि एक आपकी किताब आ रही है, इसके अलावा भी आप मुझे कहते हैं कि दो किताबों पर आप वर्किंग कर रहे हैं, दूसरी किताब किस जी? मेरी अभी ना जी एक दहशत गर्दी, जिस तरह हमारा माशरे का बहुत बड़ा नासूर है जी, जी, उसके हवाले से मैं बड़ा परेशान रहता था, जो ही होता है कि हमारे मुल्क को ये क्या नज़र लग गई जी, तो इस पर मैं देखता था कि हमारी पाक फौज इसके हवाले से लड़ रही है और उनका एक बड़ा शानदार रोल है दहशत गर्दी खात्मे के लिए, सही, तो उनके साथ साथ शायर और अदीब भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। सही, तो मैंने कुछ उर्दू शौरा की कुछ नज़में अभी इकट्ठी की, अच्छा, और वो कंपाइल कर रहा हूँ, वो अकादमी अदबियात पाकिस्तान उसे छापेगा। सही सही, उस किताब का नाम है दहशत गर्दी के खिलाफ लिखी नज़में। अच्छा, दहशत गर्दी के खिलाफ लिखी नज़में, तो उन शायरों का पैगाम है जो उन्होंने कलमी जहाद की है। सही, तो मैं चाहता हूँ नई नस्ल तक पहुँचे, उन्हें पता लगे कि शायर और अदीब कितने हसास हैं। एग्जैक्टली, और कलम में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। और अगर हम बात करें 65 की जंग की भी, तो उसमें भी जो लिखे गए उस टाइम मिली नगमे थे जिनको मैडम ने गाया उसके बाद, तो आप देखिए कि हमारी पाक फौज को उससे कितने हौसला मिला, फिर उससे पाकिस्तानी जो हमारी आवाम थी उसको कितना हौसला मिला कि कहा जाता है कि जब 65 की जंग थी तो लोगों ने अपने हाथों में जो घर में कोई चीज़ मिलती थी वो उठा के चल पड़े थे कि जी हम मुकाबला करेंगे दुश्मनों का। तो ये जो कलम है इसमें बहुत ताकत है और इसका हमें एहसास, और अगर दानिश्वर और आप जैसे जो शायर हैं इनको इस चीज़ का एहसास हो जाए तो डेफिनेटली आप पूरे माशरे को बदल सकते हैं। अलामा इकबाल ने भी कलम की वजह से ही हम देखते हैं कि हमें पूरा पाकिस्तान किस तरह से मिला, आपने किस तरह से उस टाइम के मुसलमानों को बेदार किया अपनी शायरी से। तो
डेफिनेटली कलम में बहुत ज़्यादा ताकत है। हमारे साथ तैयब अली शाह साहब भी मौजूद हैं जनाब, और आज हम बात कर रहे हैं वाइट टर्कवाइज पे उनके साथ, और बहुत ही खूबसूरत सा ये स्टोन है जो कि मेरे पास मौजूद है। अच्छा तैयब साहब, आप बता रहे थे कि इसको किस खास मकसद के लिए हम पहन सकते हैं। लेकिन मैंने बताया जैसा फिरोज़ा है, फिरोज़ा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो फिरोज़ा के फ़वाद हैं, उसी तरह इसको भी इससे रिलेट किया जाता अच्छा। है। अच्छा, क्योंकि ये इस पर हमारा जो है ना, यानी कि अगर आप इसको हिस्ट्री में पढ़ें तो आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा। वहाँ फिरोज़ा जो है वो जो उसके कलर्स हैं वो वही आए हैं जो ब्लू हैं, लाइट ब्लू जिसे रज़ाकी हम लोग कहते हैं, हुसैनी है। बेसिकली इनमें जो मैं आगे भी जिक्र कर रहा था, फार्मूला जो इसका होता है, केमिकल फार्मूला, उस पर काफ़ी ये डिपेंड करता है स्टोन। अब जो ब्लू टर्कवाइज है, लाइट ब्लू, उसमें अगर आप देखें तो कॉपर जो होता है उसकी तादाद यानी कि मकदार होती है, और उसके इर्द गिर्द माइन के इर्द गिर्द कॉपर की आपको कहीं ना कहीं से कुछ आपको मिलेगा जखीरा। अच्छा, ठीक है हाँ। और जो हुसैनी है जिसे हम ग्रीन टर्कवाइज कहते हैं, जो सबज जो कलर भी चेंज करता है, उसमें आयरन पाया जाता है। अच्छा, और उसके इर्द गिर्द भी आपको आयरन ही जो है उसके कहीं यानी कि जो है वो मिलेगा उसकी सराउंडिंग में। और ये जो वाइट है इसके केमिकल फार्मूले में या इसके जो इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो सिर्फ वाइट ही रहता है। वाइट ही रहता है, इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन स्टोन कौन सा है, तो वो कौन सा है? देखिए यूं तो अब इस पर बहुत सारे लोगों के माइंड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद वो डायमंड का नाम है, लेकिन हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहते हैं कि डायमंड जो है वो स्टोन नहीं है। एक तो वो कार्बन है, 99% उसका केमिकल फार्मूला जो है वो वही है जो कोयले का है। सिर्फ ये है कि कोयला जो है अपर लेयर से उसकी माइनिंग होती है, इसके लिए आपको बहुत डीप जाना पड़ता है डायमंड के लिए। मेरे करीब अगर आप मेरी रिसर्च पर पूछते हैं या तो मैं ये कहूँगा एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर। अच्छा, ये दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों में से एमरल्ड, रूबी और सफायर, जो हैं इनमें, यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे जो पत्थर हैं उनमें ये पाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे आपको यानी कि और भी ओपल इस तरह के हैं, इवन के एक पत्थर आता है उसे अलेक्जेंड्राइट कहते हैं। अच्छा, उसकी ये खूबी है कि उसका दिन के वक्त कलर और होता है पर्पल। अच्छा, और रात को उसका कलर ग्रीन हो जाता है। अच्छा, वो अपना कलर चेंज कर लेता है। इनके इतना आप इवन के उसको थोड़ी देर अंधेरे में भी रखेंगे ना उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, आप जब उसको फिर रोशनी मिलाएंगे तो वो पर्पल आपको चेंज होता है वो फील होगा। यानी कि इतने ये भी इस तरह के भी पत्थर हैं। अच्छा, लेकिन बहुत यूनिक पत्थर। हाँ, बहुत यूनिक पत्थर है, लेकिन वो भी इस तरह आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा जितना रूबी, एमरल्ड और सफायर है। रूबी, एमरल्ड और सफायर जो है वो है। अच्छा, इस पे मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। आलम साहब, मैं चाहूंगी कि जाने से पहले कोई और आप हमें कलाम सुनाएं, फिर इंशाल्लाह आपसे मैसेज भी लेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे आप? जी मैं एक नज़्म सुनाता हूँ जी आपको। रूह दा पंछी जुस्से दे विच चुप चपीता बैठा रहिंदा। रूह दा पंछी जुस्से दे विच चुप चपीता बैठा रहिंदा, वेले दे फट हिक ते सहिंदा, आखिर एक दिन छड़ के पिंजरा होर किते बन कैदी जांदा। एक पिंजरे तो दूजा पिंजरा, दूजे तो फिर तीजा होर। एक पिंजरे तो दूजा पिंजरा, दूजे तो फिर तीजा होर, कैद खरे तकदीरां विच आज़ादी जंजीरां विच। अरे वाह, बहुत खूब। और देखिए आपकी शायरी में जो है वो हमें पैगाम भी मिलता है, मैसेज भी मिलता है, बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव आपकी जो है वो पोइट्री है। जाने से पहले क्या पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वालों को? जी मेरा यही पैगाम है कि अपनी जो मादरी जुबान है उन पर फख्र करें। सही, और जो कोई अपनी माँ बोली का एहतराम करता है उसे दूसरे का भी करना चाहिए, सबको हक है। हाँ, और हमें चाहिए कि इसमें हम शर्म ना करें, अपने घरों में अपनी मादरी जुबान बोलें, और सूफिया का कलाम जो है सही उसको जिंदा रखें जो हमारा विरसा है। बेशक, और इसमें हमारे लिए कितने अच्छे मैसेजेस भी हैं। बेहद शुक्रिया आज़म साहब, आपने हमें वक्त दिया, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की जनाब, हमें अपनी मादरी ज़ुबानों पे एक तो फ़ख्र करना चाहिए और अपनी मादरी ज़ुबान भी बोलें, और अगर कोई दूसरा अपनी मादरी ज़ुबान आपके सामने बोल रहा है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इन द एंड ये तमाम गुलदस्ते के डिफरेंट फ्लावर्स हैं, डिफरेंट फूल हैं, और ये सब मिलते हैं तो हमारा प्यारा पाकिस्तान बनता है। उसमें ये तमाम ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाती हैं, तमाम ज़ुबानें हमारी अपनी हैं और तमाम ज़ुबानों को हमें ओन करना चाहिए और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अभी मुझे एक वक्फे की जानिब जाना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। Thank you.
जी।